बात तो कि मैं इतना खुश हूँ अपने स्कूल में आके। मैं यहाँ से 2002 में पास हुआ हूँ, तो अबाउट लाइक 21 ईयर्स आफ्टर दैट आई जस्ट केम इन दैट स्कूल। और मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता, मुझे देख यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा है। और अभी मैं थोड़े समय पहले एक प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा था, तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा है कि आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें, तो मुझे लगता है कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं उन बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकूं और बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, उनका मैं उत्तर दे सकूं। तो मेरा मोटिवेशन आज का यही रहेगा कि मैं बच्चों को किसी भी तरह की गाइडलाइंस, जो उनके करियर से रिलेटेड हो या पर्सनल हो, कैसी भी हो, अगर मैं उनको थोड़ा भी गाइड कर पाऊँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। मैं 2002 में इसी स्कूल से पास हुआ हूँ, प्लस टू नॉन मेडिकल से। उसके बाद मैं बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियर द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से मुझे किया है। उस दौरान मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद मैं IIT खड़गपुर में गया, जहाँ पे मैंने अपनी MTech की स्टडी की। उसके MTech में मैं एक अपने बड़े वरिष्ठ प्रोफेसर से मिला, उनका नाम प्रोफेसर PC पांडे हुआ करते थे। और उन्होंने मुझे जब थोड़ा नासा के बारे में बताया, तो मुझे वहाँ से बड़ी जागरूक हुई कि ये नासा चीज़ क्या है और क्या काम करता है। और आई वॉज काइंड ऑफ लकी कि जब मैं IIT में था, तो एक चंद्रयान 1 हमारा लॉन्च मिशन हुआ था। आज की डेट में तो चंद्रयान सभी जानते हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 हाल ही में एक हमारे मून पे उतरा है, जिन्होंने हमारे को बहुत ही अच्छा मुकाम जो हासिल किया है भारत के इसरो ने, वो एक सराहनीय है। तो उस समय चंद्रयान 1 हुआ करता था पहला लॉन्च, तो मेरा एक सौभाग्य था कि मैं उसमें थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, लेकिन वहाँ से मेरी एक जागरूकता बढ़ी कि मैं भी इस रिसर्च में काम करूँ। तो IIT के बाद मैं थोड़े दिन जॉब किया करता था बेंगलुरु में, वहाँ से रिज़ाइन करके मैं अपनी हायर स्टडी के लिए फ्रेंच स्पेस एजेंसी मैंने ज्वाइन की। वहाँ से मैंने अपनी PhD पूरी की, और ये मेरी जो रिसर्च की भूख थी वो कम नहीं हुई, क्योंकि उससे जब PhD मैंने की तो मैं कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था रिसर्च में और नासा के मिशन में। उसके बाद मैं यूनाइटेड स्टेट चला गया, और यूनाइटेड स्टेट में मैं 8 ईयर्स तक साइंटिस्ट के दौर पे द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में साइंटिस्ट था। और हाल फिलहाल में मैंने डेढ़ साल पहले नासा का गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर को ज्वाइन किया है एज अ सीनियर फ्लाइट डायनेमिक इंजीनियर, और अब मैं वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ एक मिशन स्पेशलिस्ट की तौर पे। भी दे चुका हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरा तो एक ही संदेश है कि ड्रीम, सबसे पहले एक अपना ड्रीम तय करो। कोई भी ड्रीम छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। कोई भी बड़ा ड्रीम छोटा हो सकता है अगर आप कंटिन्यूस मेहनत करते रहो, और कोई भी छोटा ड्रीम बड़ा हो सकता है अगर आप मेहनत ना करो। तो मेरा तो सिर्फ एक यही संदेश है कि अपना एक गोल ज़रूर होना चाहिए लाइफ का, और ये नहीं कि सिर्फ गोल है, गोल के साथ आपका एक उसके प्रति एक निष्ठा भी होनी चाहिए कि ताकि आप उस गोल को अचीव कर सको। और मैं एक जीता जाता एग्जांपल हूँ कि मेरा जैसे कभी गोल बन चुका था कि मैंने कभी नासा जाना है, लेकिन एक कंटिन्यूस लर्निंग के तौर पे मैं करता रहा और फाइनली मैंने ये मुकाम हासिल किया। और अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। चीज़ें बड़ी लिमिटेड हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, इंक्लूडिंग एलुमनाइज गाइडेंस। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे जैसे भी इनके क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो एक बेझिझक हमसे पूछें, और हम हर तरह की हेल्प करने में, हम इंक्लूडिंग मी और कोई भी एलुमनाइज जो पास आउट हुआ है, वो सब तरह से इनकी सहायता कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी कोरोना के बाद तो काफ़ी, पहले इतना इसका एक्सपोजर नहीं हुआ करता, लेकिन कोरोना के बाद ये नेसेसिटी हो चुकी थी और ये ज़रूरी भी था उस दौरान। लेकिन टेक्नोलॉजी, देखो, टेक्नोलॉजी हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी का अगर आप सदुपयोग ना कर पाएँ तो वही आपको पीछे भी धकेलती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नवोदय, पर्टिकुलरली अगर मैं नवोदय की बात करूँ, तो यहाँ पे बच्चों को उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जितनी उनको चाहिए।